सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आइए। सो गाइज, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? सर गिव मी जस्ट 1 मिनट, लेट मी मेक श्योर वी आर कनेक्टेड एंड लाइव। तो हम लोग जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। ओके, सो हेयर वी आर कनेक्टेड लाइव। जय कौशिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जय कौशिक, एम आई ऑडिबल टू यू? सो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, सो यू हैव टू गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, so let me see whether I can upload the document in a telegram page or not। अभी जल्दी से document को telegram page के अंदर upload करते हैं ताकि आप साथ के साथ जो है उसे revise कर सकें। okay, so just give me few minutes, जल्दी से जल्दी हम इसको अब start करने वाले हैं। so yes, the document has been uploaded, document को upload कर दिया गया है आपके telegram page के अंदर। you can you know गो देयर एंड डाउनलोड दैट डॉक्यूमेंट। तो आज का जो PDF है वो वहाँ पे अवेलेबल है। सो लेट स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। साक्षी गुप्ता, गुड मॉर्निंग। सो लेट स्टार्ट द सेशन। एज केसेज राइज, गवर्नमेंट गिव्स नोट टू इनोकुलेट ओवर ऑल ओवर 45 फ्रॉम April 1। गवर्नमेंट ने अपना टारगेट अब बढ़ा दिया है और इट इज़ गुड डेवलपमेंट। ओके, सो यू हैव टू मीन्स गवर्नमेंट हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम फिर आ रही है। सो रिफंड पीनल इंटरेस्ट ऑन द EMI, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स द लेंडर्स। सो इफ यू नो, ड्यूरिंग द लॉकडाउन मॉरेटोरियम वॉज गिवन, मॉरेटोरियम दिया गया था लेकिन बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा। ओके, सो इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। 5 पुलिसमैन किल्ड इन छत्तीसगढ़ नक्सल एम्बुश। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन स्टिल, ऐसा ये चल रही है प्रॉब्लम। ओके, रेगुलरली दे आर टारगेटिंग इंडियन फोर्सेज एंड इट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। ओके, नाउ इंडिया एब्सटेन्स इन UNHRC वोट ऑन श्रीलंका। वी विल लुक इन टू डिटेल, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ओके, सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग, दिस नक्सलिज्म इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज डेवलपमेंट। आपको डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अलोंग विद दैट यू हैव टू यू नो फाइट विद देम विद आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का भी आपको यूज करना पड़ेगा एंड प्रोवाइड देम विद लेटेस्ट वेपनरी, आर्म्ड ड्रोन्स। ड्रोन्स जो है उनका इस्तेमाल ये करें, ये एक तरीके से समाधान होगा इस चीज का। डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी सो दैट पीपल डोंट गेट एलियनेटेड। ओके, लोग एलियनेट ना हो जाएं। अदरवाइज होता क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन इज लिविंग इन दिस रीजन, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है वहां पे, दे डोंट हैव एक्सेस। ओके, दे डोंट हैव एक्सेस टू कोई भी एमिनिटीज का एक्सेस नहीं होता उनके पास, ना फूड, ना हॉस्पिटल, ना एजुकेशन। तो एक्सेस ना होने की वजह से वो एक तरीके से स्टेट को पसंद नहीं करते, सरकार को पसंद नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई दे यू नो दे रिलाय मोर ऑन नक्सल्स। वो नक्सल्स की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यू हैव टू प्रोवाइड डेवलपमेंट इन दैट रीजन। डेवलपमेंट तो आपको उस एरिया में करनी पड़ेगी। सो ये सारा मुद्दा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, सो लेट्स मूव टू एडिटोरियल सेक्शन। वी विल सी उसमें क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं आज। सो अगेन पॉलिटिकल न्यूज नॉट इंटरेस्ट यू नो आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आर UPSC थिंग। सो सर्ज ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया पावर ट्रेड। नाउ वी विल लुक इन टू दिस, इसको हम कवर थोड़ा देखेंगे कि क्या है पावर ट्रेड साउथ एशिया के अंदर कैसे चल रहा है। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मिसएडवांटेज, वी लुक इन टू दिस। ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू, UPSC हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन आपके मेन्स के अंदर, इसके ऊपर ऑलरेडी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट दिल्ली इशू वॉज गोइंग ऑन। ओके, एट दैट टाइम ऑल्सो। सो इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू कीप एन आई क्या इसके ऊपर आगे डेवलपमेंट है। द केस हैज टाइम फॉरगॉट। ओके, सो हियर इट इज अबाउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दैट योर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज पुअरली डिजाइंड, वी विल लुक इनटू दिस। और ये आपके गवर्नेंस का पार्ट है। ओके, सो गवर्नेंस का पार्ट है एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2। ये GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2। ये भी GS पेपर 2 के लिए हम लोग कवर करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड। ओके, सो रिकैलिब्रेटिंग इंडिया ताइवान टाइज, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर IR इंटरनेशनल रिलेशंस, GS पेपर 2। ओके, सो GS पेपर 2 के अंदर ही हम इसको कवर करते हैं। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, काउंटरिंग द चाइना। ओके, सो
ताइवान इज नॉट हैविंग ग्रेट रिलेशन विद चाइनीज, सो यू वॉन्ट गुड रिलेशन विद ताइवान. आप ताइवान के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हो. एंड दिस रिलेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन वट सेंस? ताइवान को अगर हम जाने तो वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल फोन्स का. उनके हार्डवेयर को ताइवान मैन्युफैक्चर करता है. एंड इंडिया इज अ सॉफ्टवेयर जायंट. इंडिया सॉफ्टवेयर जायंट है, तो हम लोग दोनों हाथ मिला सकते हैं एंड वी कैन प्रोड्यूस मैनी थिंग्स. ओके, सो ये बात यहाँ पे कही है. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ. हेयर देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है इस पेज के ऊपर. ओके, सो अगेन वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट. हेयर अगेन देर इज नथिंग मच, कुछ खास यहाँ पे एज इट इज जो है नहीं आया है. ओके, सो वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट. ओके, हेयर ऑल्सो इफ यू सी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, सो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट फॉर कोवैक्सीन, वी विल लुक इन टू दिस. थोड़े सप्लाई साइड में क्या प्रॉब्लम आ रही है. 81% ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स इन पंजाब आर ऑफ यूके स्ट्रेन, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस है. इंडस वाटर पैनल होल्ड मीटिंग, वी लुक इन टू दिस, इसको देखेंगे क्या ये कर रहे हैं. सो OTT केस, सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑल प्लीज इन हाई कोर्ट. सो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पे देख रहा है. ओके, सो दिल्ली शुड हैव अ बिगर रोल इन पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वी विल लुक इन टू दिस इन डिटेल, इसको थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे. ओके, सो ये डेवलपमेंट चल रही है. अदर देन दैट, रशिया चाइना प्रपोज न्यू सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म. Now, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना पड़ेगा. क्वाड के पैरेलल कुछ आ रहा है. ओके, समथिंग इज गेटिंग डेवलप्ड इन पैरेलल टू क्वाड. क्वाड के साथ कुछ आ रहा है, तो ये डेवलपमेंट है. वी विल लुक इनटू डिटेल, इसको डिटेल में जानेंगे. IR से रिलेटेड है, आपके नोट्स में होना चाहिए ये. ओके, सो अगेन ऑन दिस पर्टिकुलर पेज देयर इज नथिंग मच, लेट्स गेट इनटू द डिटेल डिस्कशन सेक्शन. डिटेल डिस्कशन में जल्दी से आगे चलेंगे एंड वी विल सी क्या है यहाँ पे. UN, इंडिया एब्सटेन इन UNHRC वोट ऑन श्रीलंका. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड देर वॉज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन. ओके, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था विच एंडेड इन 2008. बेसिकली लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम दे वर फाइटिंग अ सिविल वॉर. ओके, दे वर फाइटिंग फॉर अ सेपरेट तमिल लैंड. वो सेपरेट तमिल लैंड चाहते थे और उसके लिए वो सिविल वॉर कर रहे थे. नाउ दे आर द सेम पीपल एंड दे किल्ड राजीव गांधी. राजीव गांधी को मारने वाले भी यही लोग थे. ओके, अब आपको इसमें जानना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है. सी, व्हेनेवर देयर इज अ सिविल वॉर देयर आर हाई चांसेस कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो. एंड सेम हैपेंड, तो श्रीलंकन आर्मी दे कैरिड आउट सम ह्यूमन राइट्स वायलेशन और वहां पे वो प्रॉब्लम चल रही थी. नाउ रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस कि इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन होना चाहिए. ओके, सो रेजोल्यूशन ऑन प्रमोटिंग रिकंसिलिएशन अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका वॉज अडॉप्टेड. यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग. व्हाई वी एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग, हमने एक तो पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों नहीं किया. यू नीड टू अंडरस्टैंड समटाइम्स यू हैव टू बी बिट डिप्लोमेटिक. इंडिया हैव तमिल पॉपुलेशन, आपके यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन है. ओके, सो आप एक तरीके से उनको भी नाराज नहीं कर सकते. अगेन सेकेंडली यू नीड टू हैव गुड रिलेशन विद श्रीलंका, आपको श्रीलंका के साथ भी गुड रिलेशन रखना है. क्यों रखना है, देर इज अ रीजन बिहाइंड इट. इफ यू आर नॉट मैनेजिंग थिंग्स सम अदर कंट्री माइट टेक एडवांटेज ऑफ इट. कोई और कंट्री इसकी एडवांटेज ले सकता है, तो आप श्रीलंका के अगेंस्ट तो वोट नहीं कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. यू नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान, चाइना, रशिया, बांग्लादेश, दे सपोर्टेड श्रीलंका, उन्होंने श्रीलंका को सपोर्ट किया है एंड दे वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. ओके, सो क्या आप बिल्कुल ऐसा चाहोगे कि ये कंट्रीज पाकिस्तान या चाइना के रिलेशन श्रीलंका के साथ बेहतर हो जाएं? सो यू हैव टू मेक चॉइसेस एंड दीज आर टफ चॉइसेस. ओके, सो ये आपको समझना है. सो सर्ज ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया पावर ट्रेड. नाउ इंडिया हैज रिलीज न्यू रूल्स गवर्निंग द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस इट्स बॉर्डर. देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ यू नो दिस पावर ट्रेड इज रियली इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस perspective. Okay, so this is your Kashmir and this is your Pakistan. Okay, and this is your Afghanistan and say this is your Central Asia. Now if Pakistan is ready and we have good relation with these countries and we have good relation with Pakistan, you can have a South Asia grid. आप एक तरीके से South Asia grid बना सकते हो. Grid in the sense, Pakistan don't have power. Pakistan के अंदर power की कमी रहती है. India के अंदर power surplus होती है. So you can trade power with Pakistan. And further, the power can also be sold to Central Asian countries. या फिर Afghanistan तक वो power जा सकती है. If Pakistan is ready. So that's why this power trade is important in this region. Okay. So they define the contours of South Asian electricity market, placing clear limits on who can buy from and sell into India.
Now, these are the new rules which are coming up. This has ramification for electricity markets of Bangladesh, Bhutan, Nepal, which to varying degrees have aligned their energy futures with Indian market. So, in deshon ne apne energy futures jo Indian market ke according kar rakhe the. So, it attempts to balance the China's growing influence in the region with developmental aims. Okay. So, humne kuch reason ki wajah se ye naye rules banaye hain. So, we look into this kya hai. So, of central importance is the ownership of power plant wishing to sell to India. So, in masterful legalese, the rules strongly discourage the participation of plants owned by companies situated in a third country with whom India shares a land border. अब एक तो ownership आपके देश में ही होनी चाहिए, okay? दूसरे देश की जो कंपनी है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकेगी ढंग से. Now Chinese company hoping to establish plant in Nepal, Bhutan, Bangladesh will presumably have a hard time making good on their investment with Indian market cut off. तो वो वहाँ पे रह के इंडिया के अंदर नई चीजें डाल पाएंगी. So rules place the same security restrictions of tripartite trade say from Bhutan to Bangladesh through Indian territory. To make things even more airtight, the rules establish elaborate surveillance procedure to detect changes in the ownership pattern of the entities trading with India. So, उनकी ownership क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि in the name of Nepalese firm कोई Chinese firm वहाँ पे काम कर रही हो? So, you need to avoid such things. That's why these airtight rules have been made. Okay. With this, it seems South Asia's electricity politics has hit a holding pattern. After several years of unpredictability. So, in the months after Narendra Modi came to power in 2014, India used the framework of South Asian Association for Regional Cooperation to make historical move towards liberalizing electricity trade. So, China soon began to make its presence felt in the region. India responded by walking back its free market impulses. It imposed stringent restrictions that dissuaded everyone other than Indian and government entities from participating. That threatened to undermine the private sector participation and promising joint venture across the region. So, ye India ke rules bane the aur usse hame kafi nuksan hua. Okay. So, Nepal and Bhutan protested for years leading to new guidelines in 2018 that tried to find a middle ground. These rules formalizes That balancing act, okay. So, अब एक तरीके से ये कहानी बनी है, तो आइडिया क्या था, एक सार ग्रिड हम बना सकते हैं, लेकिन इंडिया के स्ट्रिंजेंट रूल्स आने की वजह से वो सार ग्रिड नहीं हो सका, क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आप नहीं कर सकते थे. गवर्नमेंट एंटिटी अलाउड थी, वहां की सरकारी फर्म्स, पावर फर्म्स आपके साथ बिजनेस कर सकती थी, लेकिन प्राइवेट फर्म्स को इतनी परमिशन नहीं मिली थी. स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस जो है हमने इंपोज किए थे. सो इंडिया सेंट्रिसिटी नो एडवांटेज. ओके, ये बात कह रहे हैं कि इंडिया सेंट्रिसिटी रखना कि सिर्फ इंडियन फर्म्स वहां पे बिजनेस कर पाएंगी पावर सेक्टर के अंदर, इट हैज नो एडवांटेज. ओके, सो इट इज सेइंग दैट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दैट हैज इमर्ज्ड थ्रू इट्स चर्न ओवर द लास्ट डिकेड इज इंडिया सेंट्रिक. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्रीज, रेगुलेटर्स, प्लानिंग बॉडीज एंड यूटिलिटीज determine the rules of the road. Okay, India's geographic centrality combines with its economic heft to give its natural advantage in determining the shape of the market. All electrons must pass through it and most electrons will be bought by it. Now, आपको समझना है कि India is the center unit, okay? So, India is the one which can connect these countries. अगर ये countries आपस में connect होना चाहते हैं, तो वो India के through ही possible है. And India centricity रहेगी ही रहेगी. हम कितना भी यहाँ पे एक तरीके से कोशिश कर लें, okay? So, it is nearly impossible to fathom to the context of ailing South Asian project characterized by low level of trust. Another problem is that these countries they treat India as a big brother. वो India को big brother की तरह देखते हैं. That India का big brotherly attitude है, इंडिया डोमिनेट करता है. सो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, दीस कंट्रीज डोंट ट्रस्ट अस. ओके, इंडिया विल दस एंजॉय प्रीएमिनेंट रूल सेटिंग पावर्स बट कंटिन्यूअली अट्रैक्ट द आयर ऑफ इट्स स्मॉलर नेबर्स हु फील देयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज बीइंग स्टंटेड बाय द डिसीजन इन दिल्ली. अब इन कंट्रीज को क्या लगता है कि इंडिया जो पॉलिसी बनाता है वो इंडिया सेंट्रिक होती है और इट इज गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट, और उन देशों की जो डेवलपमेंट है वो इंपैक्ट हो रही है दिल्ली के डिसीजंस की वजह से, और यही लैक ऑफ ट्रस्ट है. नाउ मेगा सोलर प्रोजेक्ट, दीस रूल्स provoke some larger questions that may be tackled soon. India's ambition of anchoring a global super grid called One Sun, One World, One Grid, okay, needs an institutional vision. Now, अब आपके prelims के लिए ये important हो गया है. Okay, note it down for your prelims. One Sun, One World, One Grid, ये इंडिया की एक तरीके की विजन है.
ओके सो इट एम्स टू बिगिन विद कनेक्शन टू वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड देन स्प्रेड टू अफ्रीका एंड बियॉन्ड द साउथ एशियन लेसन कंटेन्ड इन दीज लेटेस्ट रूल्स इज दैट पॉलिटिकल रियलिटीज विद कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद एंड डैमेज एक्सपेंसिव विजन्स ऑफ बॉर्डरलेस ट्रेड. अब आपको समझना है कि पॉलिटिकल रियलिटीज क्या है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है. पॉलिटिकल रियलिटी इज दैट यू डोंट हैव अ गुड रिलेशन विद पाकिस्तान. सो ये जो आपकी विजन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कैसे आप पूरे वेस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करोगे, कैसे आप साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करोगे. ओके सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. नाउ इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर क्रूशियल टू मल्टी कंट्री पावर पूल्स. ओके सो आपको एक तो इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जो इन चीजों को प्लान करेगा. मैनेजिंग द नीड्स ऑफ थ्री रिलेटिवली स्मॉल नेबरिंग इकोनॉमीज इन साउथ एशिया हैज कंज्यूम्ड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड पॉलिटिकल कैपिटल फॉर द बेटर पार्ट ऑफ डिकेड. सो पेपरिंग ओवर द क्रैक्स ऑफ अ पावर पूल ऑफ डजन कंट्रीज और मोर विल बी मच हार्डर. अब आपको एक चीज देखनी है, इतने सारे देशों को साथ में लेके काम करना, इतने सारे देशों के लिए अरेंजमेंट करना, इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट. आप इन सब कंट्रीज को साथ कैसे लेके आ सकते हो, सबके अपने अपने कंसर्न होंगे. ओके सो ये आपको समझना है. सो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशंस बेनिफिट फ्रॉम ग्रिड दैट कवर्स वास्ट एरिया एंड डाइवर्स ज्योग्राफिक कंडीशन. मल्टी कंट्री ग्रिड अलाउ फॉर अ अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स टू बी बैलेंस्ड अक्रॉस द कंट्रीज. ये सबके लिए अच्छा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके कि इस तरीके का एक मल्टी कंट्री ग्रिड बने, इट विल बेनिफिट ऑल, दस अवॉइडिंग एक्सपेंसिव कंट्री स्पेसिफिक बैलेंसिंग टेक्नोलॉजीज सच एज हाइड्रो पावर एंड गैस प्लांट्स. ओके सो इन चीजों को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे. नाउ काउंटरिंग चाइना, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं आओगे, चाइनीज पावर फर्म बहुत ज्यादा है एंड दे आर वेरी एम्बिशियस. वो ऑलरेडी इसको बढ़ा रहे हैं. ओके एंड अट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल मॉडल कैन लॉक कंट्रीज इन टू पूल बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इन्वेस्टर्स एंड यूटिलिटीज प्लान टूवर्ड्स and profit by. okay so the likely first battle will be Southeast Asia where China presently holds sway. a considered stable institutional model will likely surpass anything China has to offer. ab aapko ek cheez karni hai, jo aapki vision hai that you want to bring the countries together on the power trade, wahan pe aap sabko saath leke aao and in the end establish an institution, कोई institutional, कोई group ऐसा बनाओ जिसके through आप काम कर सको and that then only you will be able to counter China because China already has power, has already has influence. उस region के अंदर China already influence कर रहा है बाकी countries को, काफी influence कर रहा है. so extraordinary legislative misadvantage, okay misadventure. okay so Mohit Bansal, good morning. Now, as I told you in your 2018 mains, the question has been asked. Okay, so it's more about Delhi government versus center, and this is not a new development. This has been happening from last 2-3 years. Okay, 2-3 kya? More than 2-3 years since the time Mr. Kejriwal is in power. So, yahi gadbad chal rahi hai. So, at the bottom of all tributes paid to the democracy is the little man. Walking into little booth with a little pencil, making a little cross on a title bit of paper. Okay. So, अब ये क्या बात बोली है? These were the memorable words of British Prime Minister Winston Churchill, which the Indian Supreme Court endorsed. So, Supreme Court added that the little large Indian shall not be hijacked from the course of fair election by mob muscle methods and subtle perversion of discretion by men dressed in little brief authority. So, कहने की बात ये है कि you cannot undermine the democratic process. आप democratic process को undermine नहीं कर सकते. You cannot undermine the elected representative. जो आपके elected representative हैं, वो बहुत important हैं democracy के अंदर. और यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. ये आपको यहाँ पे समझना है. ओके सो कंटेंट ऑफ द बिल, इफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विच हैज बीन पास्ड बाय लोकसभा इज अनेक्टेड, अ लिटिल लार्ज इंडियंस ऑफ द नेशनल कैपिटल मे एज वेल कीप ऑफ द पोलिंग बूथ्स फॉर देयर वोट विल बी रेंडर्ड मीनिंगलेस. तो बात ऐसी है, अगर ये बिल पास हो गया सो दिल्ली गवर्नमेंट विल बी मीनिंगलेस बिकॉज इन दैट सिनेरियो
ऑल पावर विल गो इन हैंड्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में जाएगा। सो बिल इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मिसएडवेंचर है ये। इट स्टेट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द एपेक्स कोर्ट सेड व्हेन इट इज इन इट इंटरप्रेटेड द आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रेंजली हाउएवर द बिल प्रोक्लेम्स दैट इट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन। ओके, सो बिल सेज द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट refer to in any law to be made by the legislative assembly in Delhi mean lieutenant governor, कि अब दिल्ली सरकार दिल्ली असेंबली अगर कोई भी डिसीजन लेती है, if they make some law, then in that case government will be lieutenant governor, उसके केस में सारे डिसीजन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर लेगा उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाने में, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। सो इट वेस्ट इन लेफ्टिनेंट गवर्नर द पावर टू रिफ्यूज असेंट एंड रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो द बिल इंसिडेंटली कवर एनी ऑफ द मैटर विच फॉल आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ असेंबलीज पावर। थर्ड, द मोस्ट ड्रास्टिकली द बिल सेज before taking any executive action the opinion of lieutenant governor shall be obtained on such matters as may be specified। ab ye keh rahe hain ki koi bhi action karne se pehle, koi bhi executive action karne se pehle aapko lieutenant governor ki permission leni padegi। so supreme court has the last word in the interpretation of the constitution, that constitutional provision article 239aa remains unamended, any legislation which speaks to the contrary would be plainly illegal। सो इस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट अगर कुछ आप कानून बनाओगे, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट आप कुछ कानून बनाओगे, सो इट विल बी इल्लीगल, ये हमें समझना है। सो बेसिस ऑफ जजमेंट रिमेन्स द सेम, द अटेम्प्ट इन द बिल इज टू लेजिस्लेटिवली ओवर रूल अ जजमेंट, सो दैट वुड बी एन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल पावर विच पार्लियामेंट डजंट पोजेस। ऑल दैट बिल डज इज टू रेगुलेट regulate the rebuffled argument of the central government by the court। so court stated in government of NCT versus union of india 2018, to jo maine aapko pehle bataya tha ki case already chal raha tha। so the respondents highlight that by the constitutional amendment introduction of 1991 act and the rule of business the lieutenant governor functions as the administrator in the truest sense, that would submit that though Delhi has been conferred a special status yet that does not bring any new incarnation। तो बात ऐसी है कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई नया अवतार है। सो द सबमिशन एज वी परसीव डिस्ट्रॉय द फंडामेंटल मैरोज ऑफ द कंसेप्शन namely special status। so it in fact adorns the lieutenant governor with certain attributes and seeks to convey that NCT of Delhi remains where it was। okay, ki jo provision pehle the wo waise ke waise hi rahenge। so court was loath to centralize the power in lieutenant governor and went only thus far to say that council of minister should keep the lieutenant governor informed। देखो इन्फॉर्म करना है यहाँ पे, कंसल्ट करना नहीं है, परमिशन लेना नहीं है। एंड कोर्ट हैज ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट दिस थिंग, कोर्ट ने पहले भी बता दिया है उस पर्टिकुलर केस में कि सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है, परमिशन लेने की बात नहीं है। लेकिन द न्यू लॉ ब्रिंग्स दिस प्रोविजन, दिस वुड एनेबल एनी डिसीजन ऑन विच देयर हैज बीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द गवर्नमेंट टू बी रेफर टू द प्रेसिडेंट। सो जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वहां मामला प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। इट सेड द पावर टू रेफर टू द प्रेसिडेंट वॉज एन एक्सेप्शन। अब ये वर्ड एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, ओके कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हर मुद्दे को प्रेसिडेंट के लिए रख देंगे। सो उसमें होगा क्या, गवर्नेंस डिले हो जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट कोई कानून पास नहीं कर पाएगी, कोई कानून लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारे के सारे मामले आप राष्ट्रपति के लिए रखना शुरू कर दोगे। इन दैट सिनेरियो दिस एक्सेप्शन विल बी अ वेस्ट। ओके, ये एक्सेप्शन बोला है कोर्ट ने कि इसको हर मामले को नहीं आपको प्रेसिडेंट के लिए रखना है। सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर नीड नॉट इन अ मैकेनिकल मैनर रेफर एवरी डिसीजन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ही विल बी गाइडेड बाय द कंसेप्ट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विल बी गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहती है दैट यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है दे आर द पावर सेंटर्स वो असली पावर सेंटर है लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ एक नॉमिनल हेड का काम करता है एंड क्वेश्चन प्रायर टू द कंकरेंस वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन सिंस दैट वुड सेट अ सॉर्ट द आइडियल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी ओके सो आइडिया वॉज टू फोल्ड द अर्लियर जजमेंट इन शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब हैड रूल्ड अगेंस्ट द डिफिकेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल Like Lieutenant Governor, for it had warned that elections would then become dead sea fruit. कि अगर Lieutenant Governor के हाथ में सारी ताकत दे दी तो election तो meaningless हो जाएंगे. So second, the voice of citizen would not go unrecognized. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि citizen की आवाज जो है वो बिल्कुल ही आप recognize ना करो. So through our electoral system, our citizen basically they elect their representative जो उनकी आवाज उठाते हैं. So this is only possible if the agency enacting and enforcing the law comprises of elected representatives chosen by the free will of the citizen. जब लोगों द्वारा इलेक्टेड लोग जाएंगे देन ओनली दे विल बी एबल टू अपहोल्ड द वॉइस ऑफ पीपल दे विल एबल टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पीपल ओके सो ये हमें समझना है और यही बात यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने बताई है सो एडमिनिस्ट्रेटिव केओस नाउ साइड स्टेपिंग द लॉ लेड डाउन एंड इन अ मैटर मैनर एज टू हेरल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव केओस बाय दीज Thoughtless amendments, the lieutenant governor has been made synonymous with the government. अब किया क्या है इन्होंने कि lieutenant governor को government बना दिया है सरकार बना दिया है So government, a product of beautiful democratic process, is replaced by one individual. पूरी की पूरी सरकार को एक individual के अंडर डाल दिया है Means अब आप presidential system की तरफ जा रहे हो ओके सो प्रेजिडेंशियल सिस्टम भी नहीं है बिकॉज दिस प्रेजिडेंट इज नॉट इलेक्टेड ये तो नॉमिनेटेड है ठीक है ना और सारी पावर्स आप इसके अंदर डाल रहे हो ऐसा सिचुएशन कर रहे हैं हम सो नॉट स्टेपिंग देयर द बिल वेस्ट इन दैट इंडिविजुअल एनॉर्मस पावर टू रेफर ऑल और सन्ड्री मैटर्स टू द प्रेसिडेंट सारे के सारे मैटर वो राष्ट्रपति की तरफ डाल सकते हैं नाउ इट इज सो वेल सेटल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट व्हाट इज टू बी सीन इन पिथ एंड सब्सटेंस नॉट इंसिडेंटल एस्पेक्ट्स सो व्हाइल टेस्टिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर दैट इज व्हाई द रेफरल पावर वॉज टू बी एक्सेप्शनल पावर एंड अ कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड वॉज To be abhorred. अब आइडिया क्या था कोर्ट ने बोला भी था that you have to remove this confrontation. आपको ये confrontation हटानी है और ये जो राष्ट्रपति को रेफर करने की बात है वो एक्सेप्शनल है वो नॉर्मल रेगुलर प्रोसीजर नहीं होना चाहिए सो फर्दर मैंडेट इन द बिल दैट बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन द ओपिनियन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर नीड टू बी टेकन In it, the teeth of the court's interpretation, which only wanted Lieutenant Governor to be kept informed. Okay, so ये जो पहले permission लेने की बात है, वो चीज़ बिल्कुल ख़राब है, okay? और वो court के decision के against जाएगा. The majestic institutions that adorn Lutyens' Delhi and embassies of the foreign nation that punctuate it symbolically convey a lot. Delhi cannot afford administrative breakdown. We know that चीज़ें breakdown नहीं होनी चाहिए. To the outside world, Delhi is India's face. It will reflect very poorly on the central government if administration comes to a standstill in the capital. In any case, the large Indian water in Delhi cannot be hoodwinked. आप उनको undermine नहीं कर सकते. होगा क्या? The clash between Delhi government and the LG will increase. हर छोटी-छोटी मुद्दे के लिए अब ये media के अंदर news आया करेगी. So Prime Minister should step in and immediately abort the bill in order to uphold the principle of participatory democracy. तो यहाँ पे आप के अब प्राइम मिनिस्टर को आगे आने की जरूरत है इफ दे वांट टू यू नो अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इफ दे वांट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इफ दे वांट कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी अदरवाइज ये बहुत नुकसान होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट होगा ओके कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो सो द केस दैट टाइम फॉर गॉट नाउ दिस इज अबाउट द डिलेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि आपके देश में डिलेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है सो देयर द सजेशन इज दैट यू हैव टू implement an integrated digital platform for criminal justice system okay so agar aap digital platform leke aate ho integrated then you will be able to provide speedy justice ye idea yahan pe inhone ek tarike se bataya hai okay so here they are saying that india's criminal justice system is basically poorly designed okay hamara yahan system poorly designed hai and you don't have
इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके यहां पे कोई इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है वेयर थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. ओके, सो व्हाइल डिजिटाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड द डिलीवरी ऑफ सर्टेन पब्लिक सर्विस लाइक पासपोर्ट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज स्टिल बिसेट. ओके, अभी भी पुराने प्रोसीजर चल रहे हैं, पेपर बेस्ड प्रोसेस चल रही है. सो अब आपको इसको डिजिटलाइज करना है, वही यहां पर इन्होंने बोला है. Another thing is that this digitization is not uniform. Okay, ये digitization आपका uniform नहीं है. अलग अलग states की capacity अलग अलग है. You need to understand, there are states who don't have money. ठीक है, जहां southern states हैं वहां पे पैसा ज्यादा है, revenue ज्यादा आता है. So उधर digitization की pace जो है वो काफी fast है. But what about you know states like झारखंड, बिहार, यूपी, वहां पे पेस थोड़ा स्लो है. सो although e-court project has made significant progress in digitizing the work of court, there remain substantial lacunae. These are especially glaring in the criminal justice system. अभी भी बहुत चीज गड़बड़ जो है वो बची हुई है. So sharing information seamlessly, criminal cases involves various institutions such as police, prosecutors, legal service authorities and forensic labs. So coordination and communication between these institutions are far from seamless. A criminal case smooth movement involves several rubbing points where progress depend on one institution securing information from other. Okay, so for example, a prosecutor need to get FIR from police. Police have to submit the FIR and charge sheet to the court. The forensic lab need to submit reports to the prosecutor and the court. अब बात ऐसी है, ये अलग-अलग units हैं. It is always ideal that you combine them. अब पुलिस एफआईआर देगी इफ थिंग्स आर डन डिजिटली. सो स्पीड कैन इंक्रीज. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यू आर यू नो राइटिंग एन एप्लीकेशन देन पुलिस विल ब्रिंग द एफआईआर, वो चार दिन बाद दे रही है. ये नहीं होना चाहिए. इट शुड बी क्विक. ओके, एंड दैट विल बी फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म इफ थिंग्स आर इंटीग्रेटेड एंड यू हैव अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. अलग अलग जो एजेंसीज हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इमीडिएटली आपको चीजें दे दें, तो ये तो बिल्कुल अच्छा होगा ना. इट विल प्रोवाइड द स्पीडी जस्टिस, डेफिनेटली ये स्पीड बढ़ा देगा. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यही बात इन्होंने बोली है. सो सच अ सिस्टम वुड हैव अलर्टेड द रजिस्ट्री दैट डिफेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर अपील हैड बीन लेफ्ट अनरेक्टिफाइड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड एंड वुड हैव अलर्टेड द अक्यूज्ड पर्सन इन प्रिजन. ओके, नाउ साइमल्टेनियसली द लीगल सर्विस अथॉरिटी वुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड इन केस सो दैट द लॉयर्स कुड हैव बीन रिप्लेस्ड. अब ये बात होती है कि चीजें बिल्कुल सामने आ जाएंगी. ओके, समटाइम्स लॉयर्स ऑल्सो दे डोंट यू नो एक्सप्लेन थिंग्स टू देयर क्लाइंट, अपने क्लाइंट को भी चीजें नहीं बताते और क्लाइंट को पता भी नहीं चलता कि क्या लीगल सिस्टम चल रहा है. सो अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वुड हैव बीन एबल टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉयर, कि किस टाइप का लॉयर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो देयर इज अ लीगल सर्विस अथॉरिटी विच प्रोवाइड्स लीगल एड. अगर लीगल एड दी जाती है, ओके, इफ समवन कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर तो लीगल एड के थ्रू लॉयर मिल जाता है. लेकिन आपको बात ये समझनी है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, वो नहीं पता होती, नॉर्मली खराब ही होती है. सो वंस द प्रिजनर हैड सर्व्ड 14 इयर्स ऑफ हिज सेंटेंस द सिस्टम वुड हैव अलर्टेड द स्टेट गवर्नमेंट दैट ही वाज एलिजिबल फॉर कॉम्यूटेशन ऑफ हिज सेंटेंस. तो अगर एक डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तो सेंटेंस को मान लो कम्यूट करना हो वो तक पॉसिबल हो पाएगा. ऐसा नहीं हुआ कि कोई पर्सन जो है वो रैंडमली वो जेल में ही सड़ रहा है. सो डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लोअर कोर्ट वुड हैव बीन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू द अक्यूज्ड पर्सन्स लॉयर्स एंड हाई कोर्ट एलिमिनेटिंग द एंडलेस वेट फॉर द पेपर बुक. ओके, सो अभी होता क्या है कि कभी फाइल आएगी, कभी वो वहां से चिट्ठी आएगी, उसकी वेट करते रहते हैं सब लोग. ऑल्दो द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज on the anvil of integrate the information system of various institution in criminal justice system. Okay, so a critical factor holding back the implementation is that these institutions have already created their own information systems that work in silos and are not interoperable. A problem kya hoti hai, alag alag department mein hai, alag alag format ke andar ek tarike se sara data maintain karte hain wo. फॉर्मेट आर डिफरेंट. इनको पता ही नहीं है कि हरियाणा हाई कोर्ट कैसे ऑपरेट करता है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट कैसे ऑपरेट करता है, ओके, दिल्ली हाई कोर्ट कैसे ऑपरेट करता है. दे हैव देयर ओन फॉर्मेट. सब लोग फॉर्मेट अलग अलग रखते हैं, इसीलिए दे आर नॉट इंटरऑपरेबल, एक दूसरे के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते. सो प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू स्पीडिंग अप द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच सिस्टम दैट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट रियल टाइम एक्सेस टू क्रिमिनल जस्टिस इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स. ओके, सो इसीलिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की जरूरत है. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. इंडिया ताइवान आर सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ देयर पार्टनरशिप. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, वी डोंट हैव एम्बेसी इन
ताइवान, ओके, हमारी एम्बेसी नहीं है ताइवान के अंदर, ये आपको समझना है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज चाइना सेज, चाइना बिलीव्स इन वन चाइना पॉलिसी, ओके, चाइना बिलीव्स इन वन चाइना पॉलिसी, एंड चाइना सेज इफ यू वांट गुड रिलेशन विद अस देन यू हैव टू रिस्पेक्ट वन चाइना पॉलिसी, कि सिर्फ वन चाइना पॉलिसी को ही मानना है, एंड वी डोंट वांट बैड रिलेशन विद चाइना, हम चाइना को नाराज नहीं करते, इसलिए वी डोंट हैव एम्बेसी इन ताइवान, वहां पे सिर्फ आपने एक पासपोर्ट ऑफिस बना रखा है बस, ओके, यू जस्ट हैव अ वीजा ऑफिस देयर, यू डोंट हैव प्रॉपर फुल फ्लेज्ड कॉन्सुलेट या एम्बेसी, सो ये आपको पता होना चाहिए, ओके, सो ये बैकग्राउंड है इसका। सो इंडिया ताइवान आर सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ देयर पार्टनरशिप, हाउएवर द गोइंग रिलेशनशिप हैज बीन अ लो की अफेयर एज इंडिया हैज बीन हेजिटेंट टू एक्नोलेज द इंप्रूविंग टाइज इन पब्लिक। अब इंडिया हेजिडेंट क्यों है? बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू एंगर चाइनीज, चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। सो दो म्यूचुअल एफर्ट बिटवीन दिल्ली एंड टाइपे हैज बीन हैव एनेबल्ड अ रेंज ऑफ बायलेटरल एग्रीमेंट्स, ओके, चीजें बढ़ रही हैं। सो चीजें अभी भी वहीं अटकी हुई हैं। क्रिएटिंग अ पोलिटिकल फ्रेमवर्क इज अ प्री रिक्विजिट इन डूइंग दिस, बोथ पार्टनर्स हैव इंक्रीजिंगली डीपन्ड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओके, ठीक है, आप डेमोक्रेसी लेके आते हो, आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हो, यू शेयर फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर मीनिंगफुल, बोथ साइड कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ एम्पावर्ड पर्सन और अ टास्क फोर्स टू चार्ट आउट अ रोड मैप, ओके, गिवन टाइम में कैसे आप रोड मैप बनाओगे, हाउ कैन यू इंप्रूव योर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, उन पे बात करनी जरूरी है। सो इंडिया हैज बीन द फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड, लाइक ताइवान हैंडलिंग ऑफ पेंडेमिक एंड इट सपोर्ट टू मेनी अदर कंट्रीज अंडरलाइंस द नीड टू डीपन द हेल्थ केयर कोऑपरेशन, आप दोनों देशों के हेल्थ केयर कोऑपरेशन को और बेहतर कर सकते हो। इंडिया एंड ताइवान ऑलरेडी कोलैबोरेट इन एरिया ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, द टाइम इज राइप टू एक्सपैंड द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, ओके, सो मेन स्ट्रीमिंग एयर क्वालिटी हैज बिकम अ मैमथ चैलेंज फॉर इंडियन गवर्नमेंट, एंड मेंटेनिंग एयर क्वालिटी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, एंड स्टबल बर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन, ओके, सो ताइवान कुड बी अ वैल्यूएबल पार्टनर इन डीलिंग विद दिस चैलेंज थ्रू इट्स बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, सच मेथड्स आर अप्लाइड टू कन्वर्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट इनटू वैल्यू एडेड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी और बायोकेमिकल्स। तो ताइवान के पास ये टेक्नोलॉजी है, हमें जो है इसका बेनिफिट लेना चाहिए। दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन एज इट विल हेल्प इन डीलिंग विद एयर पॉल्यूशन एंड एनहांस द फार्मर इनकम। अब दो सजेशन इन्होंने दे दिए, एक कहते हैं कि हेल्थ केयर को बेहतर कर दो, दूसरा ये टेक्नोलॉजी ले लो उनसे और फार्मर की इनकम भी बढ़ जाएगी और पॉल्यूशन भी आपके यहाँ पे कम हो जाएगा। सो इंडिया एंड ताइवान नीड टू डीपन द पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चरल एक्सचेंज इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी सिविलाइजेशनल एक्सचेंज, इट नॉट ओनली हेल्प्स वन अप्रिशिएट अनदर कल्चर बट ऑल्सो हेल्प्स इन ओवरकमिंग द प्रिजुडिस कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके, सो पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट से ये अच्छा काम होता है। तो टूरिज्म इज अ की टूल इन द एक्सचेंज, हाउएवर ताइवानीज टूरिस्ट इन इंडिया आर वेरी स्मॉल इन नंबर, द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूर नीड्स बेटर कनेक्टिविटी एंड विजिबिलिटी। तो आप दिखाओ तो सही कि आप बुद्धा सर्किट लेके आ रहे हो, ओके, ताइवान के अंदर आपको इसको थोड़ा सा इसको मार्केट करना पड़ेगा। सो विद द ताइवान टूरिज्म ब्यूरो पार्टनरिंग विद मुंबई मेट्रो, ताइवान इज ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंट्री एंड इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ इंडियन टूरिस्ट। सो सेम आपको भी करना चाहिए। सो ट्रेड रिलेशन हैव ग्रोन, इंडियाज ह्यूज मार्केट प्रोवाइड ताइवान विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ताइवान्स रेपुटेशन एज अ वर्ल्ड लीडर इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड इंडिया इज लीडर इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये। तो ताइवान इज अ लीडर इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ओके, और आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो दोनों को ज्वाइन कर दो ना। दिस कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट विल हेल्प क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटीज, इंडियाज रीसेंट स्ट्राइड्स इन द ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग नॉट ओनली प्रोवाइड ताइवान विद ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो हेल्प इट मिटिगेट इट्स ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, ओके, सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई, ताइवान भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके, एंड इंडिया कैन प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी। सो देर आर यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, सो 200 ताइवानीज कंपनीज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल, मशीन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो पार्ट्स, ये इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। सो देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल दैट बोथ कंट्रीज कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, दीपा जाधव गुड मॉर्निंग, बोथ ऑफ अस कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ
नो पंचायत सिस्टम इन असम ट्राइबल एरिया. सो यूनियन होम मिनिस्ट्री इन्फॉर्म द लोकसभा ऑन ट्यूजडे दैट प्रेजेंटली देर इज नो प्रपोजल टू इंप्लीमेंट द पंचायत सिस्टम इन सिक्स शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ असम. ओके, सो नाउ इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन पंचायती राज, अगर आप पंचायती राज के ऊपर आंसर लिख रहे हो या फिर आप आंसर लिख रहे हो 73rd अमेंडमेंट के ऊपर, ओके, वेदर दिस अमेंडमेंट हैज बीन इफेक्टिव और नॉट, सो यू हैव टू मेंशन अबाउट दिस पॉइंट दैट द पंचायती राज सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स. सब स्टेट्स में अभी भी ये लागू नहीं होता है. ओके, सो हियर इट इज रिटन दैट द पंचायत सिस्टम इन सिक्स शेड्यूल एरियाज ऑफ असम, जो सिक्स शेड्यूल के एरियाज हैं, बेसिकली दीज आर द ट्राइबल यूनिट्स जहां पे अभी भी पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता. सो सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट्स ट्राइबल पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड्स autonomy to the communities through creation of autonomous development council that can frame laws on land, public health, agriculture and other areas. So un areas ke andar basically you have provision of autonomous councils, okay, uske through wahan pe ek tarike se governance ki jati hai. So as of now 10 autonomous councils exist in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So Mr. Reddy said there is no panchayat system in six scheduled areas of Assam, presently there is no proposal to implement panchayat system there. To wahan pe to abhi tak panchayat system lagu hi nahi hua hai. So union cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi approved the amendment to increase the financial and executive power of autonomous council. So if there is a question on autonomous council also, to आपको वहां लिखना है कि बिल आ रहा है जिसके अंदर ऑटोनोमस काउंसिल्स की पावर और फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बढ़ाया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा. सो बिल दैट इज स्टिल एक्टिव प्रपोजेस दैट स्टेट इलेक्शन कमीशंस वुड होल्ड इलेक्शंस टू द ऑटोनोमस काउंसिल, विलेज एंड म्युनिसिपल काउंसिल. अब यहां पे बात डाल दी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को टास्क दे दिया एंड देन ओनली द डिबेट स्टार्टेड. ओके, द मेजर डिबेट इज दैट दीज ट्राइबल यूनिट्स, ये जो ट्राइबल यूनिट है, दे हैव देयर ओन ट्रेडिशनल ट्राइबल बॉडी. ओके, उनके वहां पे उनकी ट्रेडिशनल बॉडी होती है, ट्रेडिशनल पंचायत होती है, जहां पे एल्डर्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, वहां पे इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं होता. ओके, सो ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि दीज यूनिट्स, दीज ट्राइबल एरियाज, दे हैव देयर ओन ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नेंस यूनिट. ओके, सो वहां पे एल्डर्स डिसीजन लेते हैं. ये बात चल रही है, अब कैसे इसको लागू कराएंगे. सो दिल्ली शुड हैव अ बिगर रोल इन पीस प्रोसेस. सो अफगानिस्तान वॉन्ट्स अ लार्जर रोल फॉर इंडिया इन पीस एंड रिकंसिलिएशन प्रोसेस. ओके, एंड यही चीज डिस्कस की है. सो देर आर टॉक्स गोइंग ऑन इन यू नो मॉस्को. सो आर एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ही हैज मेट विद द काउंटरपार्ट, अपने काउंटरपार्ट से वो मिले हैं. इंडिया हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द पीस एंड सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान, वी आर सीकिंग अ ग्रेटर रोल फॉर इंडिया. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी ऑलरेडी हैव इन्वेस्टेड नियर अबाउट $3 billion का आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वहां पे कर चुके हो. दैट्स व्हाई अफगानिस्तान वॉन्ट्स इंडियन पार्टिसिपेशन. एंड फर्स्ट इज दैट इंडिया इज मोर क्लोजर टू अफगान गवर्नमेंट, हम अफगान गवर्नमेंट के ज्यादा क्लोजर हैं और पाकिस्तान जो है वो तालिबान के ज्यादा क्लोजर है. सो ये यहां पे एक तरीके से टसल चल रहा है. सो वी आर नेगोशिएटिंग टू मेक श्योर दैट अफगानिस्तान डजंट बिकम अ सेफ हेवन फॉर इंटरनेशनल टेररिस्ट हु आर कीन टर्न इनटू जस्ट इन देयर बैटलफील्ड बट अ सेफ हेवन इंक्लूडिंग अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट द इंडिया एज वेल. ओके, सो वो ये चाहते हैं कि कोई भी अफगानिस्तान जो है वो किसी टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन ना बने. दिस इज व्हाट दे वांट एंड वी वांट द स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है. नाउ दैट्स व्हाई दीज यू नो टॉक्स आर गोइंग ऑन एंड यूएस इज मूविंग आउट. यूएस अपने ट्रूप्स वहां से निकाल रहा है और 1 मई के आसपास डेडलाइन रखी गई है. ओके, सो बात क्या है कि यहाँ पे व्हाट विल हैपन आफ्टर द यूएस विड्रॉल, यूएस विड्रॉल के बाद क्या होगा, क्या तालिबान वापस एक तरीके से वॉयलेंस करेगा वहां पे. सो विल देयर विल बी टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान, वी हैव टू वेट एंड वॉच. एंड विल तालिबान बी एबल टू वर्क इन अ यू नो डेमोक्रेटिक मैनर, क्या तालिबान डेमोक्रेटिकली काम कर पाएगा. दिस इज द डिबेट नाउ. ओके, एंड ये आपको समझना है कि अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ डाइवर्स सोसाइटी. अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ट्राइबल डाइवर्सिटी है. एंड इंडिया हैज अ सिस्टम, वी ऑल्सो आर अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. ओके, हम लोग भी डाइवर्स कंट्री हैं. सो वी कैन प्रोवाइड अ मॉडल टू अफगानिस्तान वेयर ऑल द ट्राइब्स कैन कम टूगेदर एंड रूल. ओके, सब साथ में आके अच्छे से काम कर सके. सो इंडस वाटर पैनल होल्ड्स मीटिंग. सो 116th राउंड ऑफ परमानेंट इंडस वाटर कमीशन की अब बात चल रही है. थिंग्स आर मूविंग अहेड, इंडिया पाकिस्तान के टाइज ठीक होने की तरफ जा रहे हैं. दिस इज अ गुड डेवलपमेंट. ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है. सो आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 2.5 years, इंडियन एंड पाकिस्तानी डेलीगेशन ऑन मंडे
डे बिगैन देयर मीटिंग. सो मीटिंग विच कॉन्साइड्स विद द नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग व्यूड एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ बायलेटरल टाइज. ओके, सो टू डे मीटिंग ऑफ कमीशन इज बीइंग लेड ऑन द इंडियन साइड बाय इंडस वाटर कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना. सो पाकिस्तानी डेलीगेशन इज लेड बाय पाकिस्तान काउंटर पार्ट. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है दैट बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू डिफ्यूज देयर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर रहे हैं और इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं. सो देर आर सेइंग दैट यूएई हैज इंटरवीन. ओके, यूएई हैज बीन प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल, बट वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच, थिंग्स आर नॉट क्लियर, चीजें क्या हैं. So, what does this Indus Water Commission talks will bring? So, basically, it will improve, it will help in improving the trust between the nations. So, one by one, you will be able to solve your problems. अपनी problems को आप एक by एक करके solve कर पाओगे. ये जो है यहाँ पे suggestion है. Now, there are some supply side constraints for Covaxin. Niti Aayog is saying this. Okay. So, Bharat Biotech's Covaxin currently constituted only around 8% of doses is administered so far. Okay. So, we would like them to increase the output. और ये कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाना भी जरूरी है. See, you need to understand, there is a limitation, capacity के ऊपर limitation हमेशा रहेगा ही रहेगा. Things will take time. Okay. Supply side constraint रहेंगे ही रहेंगे. And you have to manage it. You have to somehow manage it. We don't have any other choice. Okay. So ये आपको समझना है. और इसके ऊपर आगे बढ़ना है. फर्स्ट अनदर थिंग इज दैट यू हैव टू ब्रिंग डाइवर्सिटी, मींस व्हाटएवर वैक्सीन विच आर इन रेडी स्टेट यू हैव टू ब्रिंग देम टू द इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट के अंदर आपको उनको लेके आना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू यू नो वैक्सीनेट द होल पॉपुलेशन. नाउ चाइना रशिया प्रपोज अ न्यू सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म. सो चाइना रशिया हैज प्रपोज सेटिंग अप अ न्यू रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ कंट्री इन द रीजन. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कैन बी अ काउंटर टू क्वाड. ये क्वाड का एक काउंटर हो सकता है. ओके, सो द प्रपोजल केम फॉलोइंग अ मीटिंग बिटवीन देयर मिनिस्टर्स. ओके, और ये समिट बनाने की बात है. एंड एज आई टोल्ड यू रिसेंटली अभी क्वाड समिट हुआ था. सो इन दैट लाइन दिस इज अ मूव. दे वॉन्ट अ रीजनल ग्रुप. ओके, सो बोथ साइड सेड इन अ ज्वाइंट प्रेस रिलीज दैट दे प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ज अ न्यू कंसेंसस ऑन रिजोल्विंग द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ द कंट्रीज. सो चाइना एंड रशिया आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर इंडिया भी है. अब ये एक और नई बॉडी लेके आ रहे हैं जो सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म होगी और रीजनल सिक्योरिटी के लिए काम करेगी. ओके, दिस इज व्हाट दे वांट नाउ. नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर हेडिंग टुवर्ड्स, दे वांट ट्रू मल्टीलेटरलिज्म. दे आर सेइंग दैट क्वाड जैसे और हम अगर हम बनाते हैं तो वो भी मल्टीलेटरलिज्म का पार्ट है. ओके, सो रशिया एंड चाइना हैव रिजेक्टेड यूएस कॉल फॉर रूल बेस्ड ऑर्डर एंड कॉल एंडोर्स्ड बाय द क्वाड समिट. जो क्वाड समिट ने कहा है इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है. एंड दे सेड ऑल कंट्रीज शुड फॉलो द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टर ऑन यूएन नेशन एंड यूनाइटेड नेशन, अनफोल्ड ट्रू मल्टीलेटरलिज्म, मेक इंटरनेशनल रिलेशंस मोर डेमोक्रेटिक एंड एक्सेप्ट प्रमोट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. तो अब ये पीसफुल coexistence की बात कर रहे हैं. ओके, द टू डे डायलॉग कवर्ड अ रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ईरान न्यूक्लियर इशू, क्लाइमेट चेंज, इन एशिया पैसिफिक सिचुएशन, उन मुद्दों पे इन्होंने बात की है. ओके, सो ऑन म्यांमार कू बोथ साइड वॉइस सपोर्ट फॉर ऑल पार्टीज इन म्यांमार टू सीक पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द करंट क्राइसिस. ओके, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क, वो एक चीज इन्होंने बताई है. नो वन इज क्रिटिसाइजिंग द म्यांमारीज आर्मी. सो ये डेवलपमेंट एज इट इज आगे चल रही है. ओके, एट द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल टर्बुलेंस अ समिट ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन इज पर्टिकुलरली नेसेसरी टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट डायलॉग अबाउट ways to resolve the humankind's common problem. Okay, so एक चीज ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि we will resolve the issues and all, but they are just a political group, और ये इसके पीछे Chinese और Russia के interest जो हैं वो definitely देखने को मिलते हैं, that they want to counter the US. Okay, so ये हमें देखना है कि क्या इसके ऊपर आगे development बढ़ती है. So that's it for today. Great day ahead. Thank you very much.